हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा, आप अपना नाम बताओ बस। वांगीपुरप्पू वेंकटकुप्पू। कोई बात नहीं सर, आप लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब शाहरुख खान ने जो इस बार कमाया है यार 2023 में, मतलब देखो जवान पठान आई और चली गई और अच्छा खासा बिजनेस करके गई और यहाँ से इन्हें बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल भी गया होगा, लेकिन डंकी के लिए अलग ही पागलपन देखने को मिल रहा है। इस टाइम टाइगर 3 मूवी आने वाली है 2 दिन बाद। मैं एक बार के लिए कहूँ तो यार डंकी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, इवन उतना टाइगर 3 के लिए इतना कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन डंकी के लिए अभी से ही जबकि 1.5 महीने हैं इस मूवी को आने के लिए और इसके सामने कोई, ये मूवी सिंगल रिलीज नहीं हो रही है, लाइक टाइगर 3 तो अभी सिंगल रिलीज हो रही है, कोई इसके सामने टक्कर में नहीं है, तो अकेले फाड़ने वाली है थिएटर हाउस में। लेकिन दिसंबर में जब डंकी रिलीज होगी उसके सामने प्रभास, पैन इंडिया सुपर नंबर 1 सुपरस्टार डायनासोर प्रभास, भाई डार्लिंग प्रभास जिसे कहा जाता है, उसकी मूवी रिलीज हो रही है सालार, तो उस मूवी का भी बज एक बार के लिए मैं कहूँ तो डाउन चल रहा है डंकी के सामने, क्योंकि शाहरुख खान ने जो इस बार करा है भाई सॉलिड करा है। और जो कॉम्बो देखने को मिल रहा है ना, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान, भाई ये लोगों का भरोसा जीत रहे हैं, क्योंकि देखो शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग अमेजिंग थी, लेकिन कंटेंट के बेस पर जो भरोसा जीतने वाला काम है वो राजकुमार हिरानी का नाम है भाई साहब। लेकिन दूसरी तरफ यार हेटर्स की कोई कमी नहीं है। ड्रॉप 1 आया तो लोगों ने इसकी बहुत धज्जियाँ उड़ाई, बोला कि यार तुम इस कंटेंट से क्या कहते हैं डायनासोर को टक्कर देने वाले हो, वो एक्शन मास मसाला में जो फाड़ के रखने वाला है। तो मेरे भाई इस कॉन्टेंट की वैल्यू आपको अभी पता नहीं लग पाएगी। 5 ड्रॉप और आने वाले हैं जिसमें से ड्रॉप 1 आ चुका है, तो पूरे ड्रॉप 6 आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मूवी में आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि ये रियल लाइफ से ली गई एक कहानी ही है समझ लो, जो एक इंसिडेंट है उसको लिया जा रहा है, एक इलीगल इमिग्रेशन को बहुत ही बारीकी से दिखाया जाएगा। और बाय गॉड यहां से एक कॉमेडिक वे में, इमोशनल वे में, ड्रामेटिक वे में ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, वो स्क्रीन प्ले आपको दिल में लगेगा और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो भाई साहब इस कॉन्टेंट की वैल्यू बहुत सॉलिड है। देखो मास मसाला एक्शन ये हम अभी देखते हुए आ रहे हैं और ये साल पूरा मास मसाला एक्शन में ही निकला है, लाइक लियो अभी चल रही है भाई, कितना एक्शन लोग है, जवान आई, पठान आई, देन जेलर आई, उसके बाद दशहरा मूवी आई है, भोला आई है, तो बहुत मूवीज बस एक्शन ही एक्शन है। उसके बाद सालार भी उसी कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, बस ये है कि लोग प्रभास का कमबैक चाहते हैं और यस मैं भी चाहता हूँ, प्रभास के लिए वेट है, सालार के लिए वेट है, लेकिन डंकी के लिए भी उतना ही वेट है। खैर मैं दोनों मूवी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि डंकी को अलग सपोर्ट करूँगा या सालार को, बाय गॉड मैं प्रभास के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ और सालार में किस लेवल का फाड़ने वाला है। दूसरा प्रशांत नील जो KGF यूनिवर्स का तड़का लगाने वाला है भाई, ये तो बहुत ही एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है, दैट्स वाई कि आई एम वेटिंग फॉर बोथ द कॉन्टेंट्स, दिस वन एंड दैट वन। तो बात करते हैं अभी डंकी की, यार डंकी IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की बात करें तो डंकी नंबर 1 पर बैठी है, टाइगर 3 जो मूवी अभी 2 दिन आने वाली है वो सेकंड नंबर पर बैठी पड़ी है, और डंकी जो 1.5 महीने बाद आने वाली है वो नंबर 1 पर बैठी है, और थर्ड नंबर पर मैं बताऊँ तो एनिमल मूवी बैठी है जो 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, और चौथे नंबर पर कहीं जाके सालार देखने को मिल रही है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि यार डंकी बीट डाउन कर जाएगी सालार को, बिल्कुल भी नहीं है, सालार अपना बिजनेस करके जाएगी, डंकी अपना बिजनेस करके जाएगी और सॉलिड बिजनेस करके जाने वाली है। डंकी के लिए एक बार के लिए लग रहा है कि यार 1000 करोड़ इजीली टच कर जाएंगे, मे भी उससे ऊपर निकल जाए, बट 1000 करोड़ टच करने वाले हैं ये लोग। अभी जब 5 ड्रॉप और आएंगे ना, इसके 5 टीजर और आएंगे, तो हमें इसके औकात पता लग जाएगी कि इस कंटेंट में किस बाप लेवल का क्रिएशन होने वाला है। बुक माई शो इंटरेस्ट रेट की अगर बात बताऊं तो आपको बुक माई शो में डंकी 1,05,000 पर बैठी पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ सालार इससे ऊपर बैठी है और ज़बरदस्त तरीके से बैठी है, 4,39,000। तो भाई साहब IMDb की लिस्ट में डंकी ऊपर है और बुक माई शो इंटरेस्ट रेट की लिस्ट में सालार ऊपर है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि टक्कर बहुत सॉलिड हो रही है, क्लैश बहुत सॉलिड देखने को मिलने वाला है और ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आपके पास बुक माई शो इंटरेस्ट रेट हाई है तो आप बहुत ज़्यादा कमाई करेंगे, लेकिन प्रभास से उम्मीद है कि ये मूवी ज़बरदस्त कमाई करेगी। दूसरा प्रमोशन डंकी का बहुत सॉलिड लेवल पर चल रहा है, सॉलिड लेवल पर चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मतलब शाहरुख खान ने जो फैन फॉलोइंग कमाई है ना, जो फैंस कमाए हैं भाई, ये फैंस ऐसे मूवी को प्रमोट कर रहे हैं जैसे ये
जैसे ये खुद उन्हीं का प्रोजेक्ट है, ये उन्हीं की मूवी है, उन्हीं के जेब से पैसा लगाया गया है, वो इस हद तक पूरी मतलब जी जान लगा के इस मूवी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जगह जगह पोस्टर देखने को मिल रहा है कि भाई डंकी फाड़ के जाने वाली है, क्योंकि ये प्रमोशन बहुत हद लेवल की कर रहे हैं और अंदरूनी प्रमोशन चल रहा है और ज़बरदस्त प्रमोशन चल रहा है। तो और दूसरी तरफ ये जो ड्रॉप्स निकालने वाले हैं, लगातार सॉन्ग्स आने वाले हैं, तो 7 से 8 दिन के अंतराल के बीच में ये लगातार डंकी क्या कहते हैं रिकॉल होने वाली है लोगों के माइंड पर। और सीरियस हैं मेकर्स, बहुत सीरियस हैं। शाहरुख खान भी सीरियस है, राजकुमार हिरानी भी सीरियस है, क्योंकि सामने कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, द डायनासोर प्रभास है भाई। क्योंकि ये बंदा जब आदि पुरुष जैसी मूवी से 138 या 140 करोड़ कमा सकता है, तो सलार जैसे कंटेंट से कितना फाड़ के जाएगा। दैट्स वाई कि दे आर सीरियस और होना भी चाहिए। तो सेकेंड ड्रॉप की भी आने वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर हमें सेकेंड ड्रॉप भी मिल जाएगा, उससे और पता लग जाएगा कि मूवी में आखिर होने का वाला है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। डंकी और सलार किसके लिए आप ज़्यादा वेट कर रहे हैं भाई साहब, दोनों बता के जाना। कौन सी मूवी आप पहले देखने वाले हैं, एक्शन देखने वाले हैं या एंटरटेनमेंट देखने वाले हैं? देखो एंटरटेनमेंट दोनों में है, कॉमेडी फन ड्रामा आप पहले देखेंगे या फिर एक्शन मास मसाला आप पहले देखेंगे? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।